नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कल्कि कृष्णन। क्या आप इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि पूरे वर्ष में केवल एक दिन अपने खाने पीने को नियंत्रित करके आप अपने अंदर ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं कि पूरे वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे? अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं तो आज मैं आपको भारतीय परंपरा के एक ऐसे रहस्य का उद्घाटन करने जा रहा हूँ कि जो उसको समझ करके और उसके असली रहस्य को जान करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लेकिन इस रहस्य को बताने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो विज्ञान आज जो खोजे कर रहा है उसकी जड़ें और उसका असली रहस्य और उसकी महान परंपरा किस तरह से भारतीय शास्त्रों में, भारतीय चेतना में पहले से व्यक्त है। सन 2016 में जो औषधि विज्ञान का, चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज मिला जापान के कोशिका विज्ञानी योशिनोरी ओहशिमी को, वो किस क्या विषय था? उन्होंने खोज निकाला कि अगर आप एक विशिष्ट ढंग से उपवास रखते हैं तो आपके शरीर में एक ऐसी प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है जिसको उन्होंने ऑटोफैगी नाम दिया कि अपने अंदर ही जो अशुद्धियां हैं शरीर उनको खाना शुरू कर देता है। और इस बात को लेकर के योशिनोरी ओहशिमी को नोबेल प्राइज मिल गया। लेकिन इस बात को और ज्यादा वैज्ञानिक ढंग से हमारे ऋषियों ने पहले उद्घाटित कर रखा था। उन्होंने केवल यही नहीं देखा कि उपवास रखने से शरीर को शुद्ध किया सकता है, उन्होंने ये भी देखा कि किस समय कैसे उपवास रखने से शरीर को शुद्ध रखा जा सकता है। और उन्होंने सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण खोज किया कि जब सूर्य से चंद्रमा 120 अंश से 132 अंश आगे रहता है तो उस समय उपवास के आपके शरीर पर प्रभावशीलता सबसे ज्यादा रहती है। और आप जानते हैं उस 120 और 132 अंश का जो दूरी है उसको हम भारतीय क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एकादशी, उसको कहते हैं हम एकादशी। और एकादशी को अगर आप व्रत रहते हैं, एकादशी को आप व्रत रहते हैं, व्रत रखने का मतलब है कि भोजन ग्रहण नहीं करते। उसका मतलब ये नहीं कि उसके बदले फलाहारी के नाम पर पूरी कचौड़ी और तमाम उल्टी सीधी चीजें खाना। उसका मतलब ये है कि आप कुछ नहीं खाएंगे, अगर खाना भी है तो केवल जो मानव का स्वाभाविक आहार है फल खाएंगे। यह एकादशी का विधान ऋषियों ने किया कि जब सूर्य और चंद्रमा के एक विशिष्ट अंश पे रहते हैं, अगर आप उस व्रत को रहते हैं अपने शरीर में, तो ऑटोफैगी का प्रोसेस, आपके शरीर की शुद्धि का प्रोसेस, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि का प्रक्रिया वह सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। यह महान खोज थी ऋषियों की। लेकिन एक और महान खोज उन्होंने की और उसका खोज को समझाने के लिए आपको एक महाभारत की एक बहुत मनोरंजक छोटी सी कहानी बताऊंगा। बहुत मनोरंजक कहानी है क्योंकि सारे हमारे प्राचीन काल में ऋषि और आर्य लोग और सारा जो सभ्यता थी वो जानती थी कि एकादशी का अगर व्रत रह लेते हैं तो हम पूरे महीने हमारा इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी स्वस्थ रखने की क्षमता वो वृद्धि रहेगी, वो पुष्ट रहेगी। तो सभी लोग एकादशी का व्रत रहते थे। लेकिन जो महाभारत के एक पात्र थे भीम, भोजन भट्ट थे, उनको भूख बहुत लगती थी। महाभारत का जिसने भी अध्ययन किया होगा वो इस बात को जानता है कि उनको भोजन की बहुत ही आनंद भोजन करने में आता था, उनकी भूख भी बहुत ज्यादा थी। तो वो हमेशा कृष्ण से कहते थे क्या मुसीबत है, एकादशी का व्रत रखो, एकादशी का व्रत रखो। अब पूरे वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। तो कृष्ण ने एक महान रहस्य, जो ऋषियों का एकादशी का रहस्य था उससे बड़ा एक रहस्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा भीम, तुम अगर 24 एकादशियों का व्रत नहीं रखना चाहते हो, पूरे वर्ष में 24 बार भूखे नहीं रहना चाहते हो, तो वर्ष में एक ऐसी एकादशी आती है, वर्ष में एक ऐसी एकादशी आती है अगर उस दिन बिना अन्न जल के नहीं रह सकते हो, बिना अन्न जल के रह सकते हो
तो उस एकादशी का आपके शरीर में भीम ऐसा प्रभाव होगा कि आप सारी एकादशियों के बराबर जो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी उसके बराबर इसी एकादशी से। कहानी में तो ऐसे नहीं कहा गया है, कहानी में ऐसे कहा गया है कि भीम ने कहा कि महाराज एकादशी रखने से बड़ा पुण्य मिलता है, बड़े धर्म का लाभ होता है, अब मैं इतना नहीं रह सकता हूं। तो कृष्ण ने कहा कि भीम अगर तुम इस एकादशी को खाना ही नहीं पानी भी त्याग दो तो अब तुमको इतना पुण्य मिलेगा कि बाकी 24 एकादशियों 23 बाकी 23 24 में से एक बची एक निकाल दी तो 23 एकादशियों के पुण्य के बराबर हो जाएगा। ये लेकिन ये भारतीय परंपरा इस तरह से रही है कि इस तरह को हर चीज को धर्म से जोड़ने की। अब भीम ने मान लिया और उस एकादशी को जो विशिष्ट एकादशी वर्ष में होती है उस दिन अन्न तो छोड़ा ही पानी भी छोड़ दिया। तो उसके उसी जो है अगर कथा का विश्वास करें तो पुण्य का और वैज्ञानिक तथ्य का विश्वास करें तो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का इतना विकास हो जाता है कि पूरे वर्ष आपकी वो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके काम आती है। फिर कोई भी इंफेक्शन कोई वायरस कोई बैक्टीरिया आप पर आक्रमण नहीं कर सकते। और इस एकादशी का नाम रखा गया निर्जला एकादशी। यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसमें विशिष्टता इस बात की है, इसका वैभव इस बात का है कि इस बाकी एकादशियों में तो आपको केवल खाने का त्याग करना है, इसमें जल का भी त्याग करना है। और पूरे भारत के उत्तरी हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में इस समय गर्मी पड़ रही होती है। उस समय जब आप जल का भी त्याग कर देते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो जापानी वैज्ञानिक ने प्रक्रिया खोज निकाली ऑटोफैगी वो इतनी विकट हो जाती है इतनी तीव्र हो जाती है कि पूरा शरीर आपका इस इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना देता है। अब पूरा शरीर आपका ऋषियों की महान खोज है, ध्यान रखिएगा पूरे शरीर में वो ऐसी प्रक्रिया हो जाती है कि आप स्वस्थ रहने को एक एक सेल तक उसका एक एक कोशिका तक उसका असर है। इसीलिए हमारे ज्योतिष में ऋषियों ने जो एकादशी का अधिदेव जो रूलिंग डाइटी बताया है विश्वदेव या रुद्र दोनों का लगभग एक ही अर्थ है। और जो एक चर्निंग प्रोसेस है पूरे शरीर का वो बहुत ही तीव्र एकादशी हो जाता है और एकादशियों में भी सबसे ज्यादा निर्जला एकादशी का। तो जब भी निर्जला एकादशी करें मित्र अगर आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते ये वैज्ञानिक तथ्य में बता रहा हूं, ये हजारों सालों से हमारे ऋषियों की मांग आती है। उस दिन अगर संभव हो तो आप बिना जल के रहें। इस संबंध में अपने प्रिकॉशन ले लें, अपने जो भी सावधानियां ले लें, अपने शरीर का अगर कोई आपको विशिष्ट रोग है कोई समस्या है तो डॉक्टर की भी सलाह ले लें। लेकिन अगर संभव हो और आपके शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से जल त्याग करने से कोई दुष्प्रभाव नहीं आने वाला है तो आप करके देखिए कि यह निर्जला एकादशी का क्या लाभ होता है। निर्जला मन बिना जल के, निर्जला का मतलब है बिना जल के। भीम ने और कृष्ण का संवाद जो आप पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों में वो हमने चूंकि धर्म को अलग अलग ढंग से जोड़ दिया है इसलिए वो अलग ढंग से है, लेकिन उसका सच्चा अर्थ क्या है? ऋषियों की महान खोज है। तो मित्रों एक था मेरा निर्जला एकादशी का वैज्ञानिक संदर्भ में अर्थान्वेषण। अगर आपको पसंद आया हो और इस तरह के लगातार मैं वीडियो डालता रहता हूँ आप पसंद है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक विशिष्ट बात मैं कहना चाहता हूँ, कई मित्र कहते हैं कि आपके चैनल को हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, यह चैनल हमारा अष्ट्रोदेवम जो एक चैनल मैंने बनाया हुआ है उससे अलग है। ये मेरे नाम का चैनल है जिसका नाम है आचार्य कल्कि कृष्णन, इसको अलग से आप सब्सक्राइब कीजिए। अष्ट्रोदेवम में हम लोग ज्योतिष वास्तु अंक शास्त्र इस तरह की चीजों का खोज करके उनके बारे में तथ्यों का उद्घाटन करते हैं आपको बताते हैं। लेकिन जो आचार्य कल्कि कृष्ण नाम से चैनल जो शुरू किया है इसमें हम जो ज्योतिष वास्तु और अंक शास्त्र रत्न विज्ञान इन सब जो ऊपर उठ करके जो जीवन के रहस्य हैं योग तंत्र दर्शन
और इस तरह जैसे अभी मैंने बताया आपको, इस तरह की चीजों का उद्घाटन करूंगा। ये ज्योतिष से ऊपर की चीजें हैं, ज्योतिष से बहुत ऊपर की चीजें हैं। और क्या बोलूं, चलिए तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो घंटा बजता है बेल आइकन है उसको भी दबाने का प्रयास कीजिएगा, आपको लगातार इस तरह के वीडियो आपको आते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्कि कृष्ण।